नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ मेष राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, सर हम मेष राशि के पर्सन हैं, हमें कैसे लोगों के साथ व्यापार करना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप में। सेकंड नंबर, हमें कैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ लव लाइफ मतलब रिलेशनशिप में आना चाहिए, और हमें शादी कौन सी राशि के लोगों से करना चाहिए जो कि हमारे साथ हमेशा परछाई बन के चलें और हमेशा हमारा साथ दें, ऐसी राशियां बताइए। तो मुझे लगा कि हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए, हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। आप अगर किसी रिश्ते में परेशान हैं, किसी रिश्ते से आप बहुत दुखी हो गए हैं, चिंतित हैं, या आप कैरियर से लेके बड़े परेशान हैं, सेहत आपकी ज़्यादा ख़राब रहती है, विवाह नहीं हो रहा है, लव मैरिज करना चाहते हो तो वो भी नहीं हो रही है, ऐसे आपके कोई भी सवाल रहे हैं, आप अगर रियलिटी जानना चाहो, सत्यता है क्यों और किस वजह से परेशानी हो रही है, कौन से ग्रह की वजह से हो रही है। लोग बता देते हैं विवाह के लिए हल्दी का उपाय कर लो, हर चीज़ के लिए लोग उपाय बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते किस ग्रह की वजह से परेशानी है, उस ग्रह की पूजा कर दो भैया, तो हम आपको वो बता देंगे, जो रियलिटी होगी वही बताएंगे। और हमारे यहाँ जो उपाय बताया जाएगा उसमें आपके 10 रुपये भी खर्च नहीं होंगे, हम ये भी आपको बता दे रहा है अभी, ठीक है। चलिएगा, हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप मेष राशि के पर्सन हैं तो आपको सिंह राशि का व्यक्ति पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो उनके साथ कर सकते हैं। अगर आप विवाह को लेकर चिंतित हैं कौन सी राशि से आपको विवाह करना चाहिए, तो इस राशि के व्यक्ति से आप विवाह कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। पहली राशि। दूसरी राशि जिसे आप और हम धनु राशि बोलते हैं, देव गुरु बृहस्पति की राशि है, ये लोग भी बहुत अच्छा आपका साथ निभाते हैं लाइफ में, चाहे लव लाइफ में देख लो, चाहे आप मैरिड लाइफ में देख लो, चाहे आप इनके साथ अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग चीट नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा सही गाइडेंस देंगे और हमेशा आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। आप इनसे विवाह कर सकते हैं, इनसे विवाह करने की भी आपके बहुत प्रबल योग बनते हैं। दो राशियां हो गई हैं। तीसरी राशि, जिस राशि को आप और हम वृषभ राशि बोलते हैं, आप वृषभ राशि के भी व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हो, फ्रेंडशिप कर सकते हो, लव कर सकते हो, शादी करना चाहते हो आप तो इनसे भी कर सकते हो, ये भी आपका साथ निभाएंगे। लेकिन भैया एक चीज़ याद रख लेना, अगर कुंडली में दिक्कत होगी आपकी तो फिर आप कहो कि ये राशि के भी लोग निभा दें साथ, तो फिर नहीं निभाएंगे, क्योंकि वो कुंडली में प्रॉब्लम लिखी है आपकी। देख जैसे कि समझो, आप अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके विवाह विच्छेद की योग बनाते हैं वो। आपके पंचम भाव पीड़ित है, आपके पंचम इस पीड़ित हैं तो संतान में आपको दिक्कत करेंगे, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम करेंगे, वो सब चीज़ें आप कुंडली से दिखवा सकते हो, ठीक है। तीन राशियां हो गई हैं, जिन लोगों से आप व्यापार अच्छे से कर सकते हो उनके साथ, इनसे आप लव भी कर सकते हो और इनसे शादी भी कर सकते हो। चौथी राशि, जिस राशि को आप और हम मीन राशि बोलते हैं, इनसे भी आपके विवाह का बहुत अच्छा योग है। अगर आप इनसे विवाह करना चाहते हैं या लव करना चाहते हैं तो इनसे कर सकते हो, ये आपका हमेशा साथ देंगे और हमेशा आपका पार्टनरशिप जो है वो हमेशा चलेगा इनके साथ, और शादी शुदा लाइफ में भी ये आपको चीट नहीं करेंगे। ये चार राशियाँ हो गई हैं। पाँचवीं राशि की अगर हम बात करें तो आप तुला राशि से विवाह कर सकते हो। तुला राशि का भी पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में दिक्कत नहीं हुई तो 100% ये आपका हमेशा साथ निभाएंगे, ठीक है। मतलब जिसे कहा जाए ना छाया या परछाई बन के चलना, वैसे आपके साथ हमेशा चलेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे, ठीक है। आप मेष राशि के पर्सन हो, आप गुस्सेल स्वभाव के होते हो, थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना और सुनना सीखो। आप लोग क्या सुनते नहीं हो, जैसे मतलब सीधे मुँह पर बोल देते हो, जवाब दे देते हो, लड़ने को तैयार रहते हो, जिद बना रहता है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आप सुधार कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। पुनः कहेंगे, अगर आप किसी रिश्ते से परेशान हैं या आप दुखी हो गए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप ज़्यादा सोचिए मत, रीडिंग करवा लीजिए, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलूँगा नई वीडियो के साथ। आप हमारे फीडबैक इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं, एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है।